हेलो फ्रेंड्स, ईद आने वाली है और सभी लोग अपनी फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पहले से कुछ तैयारी करके रख सकते हैं जिससे कि हम अपनी फैमिली को टाइम दे सकें। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। तो ईद के दिन सभी के घर शीर ज़रूर बनता है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसकी तैयारी हम पहले से करके रख सकते हैं। ईद से कुछ दिन पहले आप जो है ये सारे ड्राई फ्रूट्स पानी में भिगोकर 4-5 घंटे के लिए रख दें और फिर इनको काटना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम बहुत गर्मी हो रही है और ड्राई फ्रूट बहुत सख्त हो चुके हैं। तो इस तरह मैंने ये छुआरे भी भिगोकर रख दिए थे और इसको अब हम काट लेंगे, तो इस ये भीगे हुए छुआरे ना इजीली कट जाएंगे और इसको काट के आप इसको स्टोर करके रख सकती हैं। तो देखिए, आप भिगोकर छुआरे को बारीक बारीक टुकड़ों में काट लें। आपको जितने बड़े टुकड़ों में काटना है आप उतने बड़े टुकड़ों में इसको काट सकती हैं और काट कर फिर हम इसको रख लेंगे। आप चाहे तो सारे ड्राई फ्रूट्स 1 महीने तक के लिए भी स्टोर करके रख सकती हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर छुआरे काट लिए हैं, तो इसी तरह मैं सारे छुआरे काट कर अलग रख लूँगी और उसके बाद हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स को भी इसी तरह से काट लेंगे। तो देखिए, मैंने ये नारियल भी भिगो कर रख दिया था, क्योंकि शीर में हम लोग छील कर डालते हैं नारियल को, तो इसीलिए अब ये भीगने से ना सॉफ्ट हो जाएगा और उसको आप इजीली चाकू से या पीलर से जिस चीज़ से भी चाहे छील सकती हैं। और छीलने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और इसको भी हम काट कर अलग रख लेंगे। तो ऐसे ही मैंने ड्राई फ्रूट्स में एक छुआरे भी काट लिए हैं, साथ ही मैंने नारियल को भी काट कर अलग रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने बादाम को भी भिगो कर रख दिया था। भिगोने से जो इसका छिलका है ना वो इजीली निकल जाएगा। आप चाहे तो पिस्तों को भी इसी तरह भिगो कर रख दें और रखने के बाद उसको छील लें। अगर आप भिगोना नहीं चाहती तो आप इसको 5 मिनट के लिए ब्लांच कर सकती हैं और ब्लांच करने से भी इसका छिलका इजीली उतर जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसको छील लूँगी और छीलने के बाद मुझे जितने बड़े टुकड़ों में ये चाहिए मैं उतने बड़े टुकड़ों में इसको काट कर अलग रख लूँगी। तो बादाम को तो हम भिगोकर काटेंगे, पर काजू को हम ऐसे ही काट कर रख सकते हैं, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है तो उसको भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, मैंने बादाम को काट लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसे स्टोर कर कैसे करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है, इसमें मैं इसको रख दूँगी। आप चाहे तो किसी प्लास्टिक की बॉटल में या जिप लॉक बैग में भी इसको रख सकती हैं, उसको मैं ढक कर फ्रिज में रख दूँगी। अगर आप इसको करीब 1 महीने तक स्टोर करना चाहती हैं तो आप इसको फ्रीज़र में रख सकती हैं। अगर आपको इसको 1-2 दिन में ही यूज़ करना है, या मतलब अगर आप इसको ईद से 1 दिन पहले ही काट कर रख रही हैं तो आप इसको फ्रिज में रख सकती हैं, और फिर अगर आप इसको 1 महीने तक यूज़ करेंगे तो आप इसको फ्रीज़र में रख कर स्टोर कर लें। तो इसी तरह मैंने नारियल को भी एक बॉक्स में रख दिया है, साथ ही मैं छुआरों को भी इसी तरह एक डब्बे में बंद करके रख दूँगी। और इस तरह से अगर आप इसको फ्रीज़र में करेंगी ना और फिर आप इससे शीर बनाएंगी तो आपका शीर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ड्राई फ्रूट आपके बिल्कुल फ्रेश बने रहेंगे। तो इसी तरह हम ड्राई फ्रूट्स को काट कर पहले रख सकते हैं और शीर बना सकते हैं। अगर आप चने बनाना चाहती हैं तो चने की आप ये रेसिपी फॉलो कर सकती हैं। इसको मैंने बिना उबाले बनाया है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दही भल्ले बनाने के लिए आप दाल के पाउडर का यूज़ कर सकती हैं, या भल्ले बनाकर 1 दिन पहले पानी में डालकर फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं। चिकन बटरफ्लाई बनाने के लिए आप पहले से ही इसको हाफ डन करके रख सकती हैं और सर्व करने के टाइम पर इसको दोबारा से एक बार फ्राई कर लें। चिकन रोल बनाने के लिए आप इसको पहले से बनाकर फ्रीज़ कर सकती हैं और जब आपको सर्व करना हो तो आप उस टाइम पर इसको फ्राई कर लें। शीर की एक और रेसिपी मैंने डाली है, तो किमामी सेवैयाँ आप बना सकती हैं, ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं। आप इस रेसिपी को भी ट्राई कर सकती हैं। दही फुल्की चाट की रेसिपी बहुत ईजी है, ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है, तो ये भी आप ट्राई कर सकती हैं। साथ ही कॉर्न चाट बहुत ही जल्दी बनती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है, इसको भी आप ट्राई कर सकती हैं। और चना चाट, ये तो सबकी फेवरेट है, ये भी आप बहुत जल्द बनाकर तैयार कर सकती हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपनी फैमिली के साथ ईद इंजॉय करें। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक ईद मुबारक।